अब तो घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर। दोस्तों दो सांसद हैं, एक का नाम इकरा हसन और एक का नाम इमरान प्रताप गढ़ी। दोनों में फर्क यह है कि एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और एक कांग्रेस के सांसद हैं। फर्क यह भी है कि एक लोकसभा की सांसद हैं और दूसरे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन दोनों में बहुत कुछ कॉमन भी है। कॉमन यह है कि दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो दूसरे पूर्वांचल से। लेकिन एक बात और है जो इन दोनों को लगभग लगभग एक दूसरे की फीलिंग से भी कनेक्ट कर देती है। दरअसल इमरान प्रताप गढ़ी शायर हैं। देश में मुशायरों के कवि सम्मेलन के मंचों पर लोगों ने इन्हें खूब देखा। विदेशों में भी जाकर इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने शेर सुनाए, अपनी नज़में सुनाई, खूब पॉपुलर हुए। इसके बाद कांग्रेस में आए। 2019 में प्रियंका गांधी ने अपनी ससुराल से टिकट दे दिया। मुरादाबाद से चुनाव लड़े लेकिन कामयाब नहीं हुए, चुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस में बने रहे, कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे, तो कांग्रेस में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन बना दिए गए और उसके बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिए गए। तो दूसरी तरफ इकरा हसन है। इकरा हसन मजबूत राजनीतिक घराने से आती हैं, माता पिता दोनों सांसद रहे, भाई विधायक और खुद 2024 में चुनाव जीतकर सांसद बन गई। लेकिन इकरा हसन को भी शेरो शायरी खूब पसंद है। अपने चुनाव के दौरान भी इकरा हसन ने शायरी सुनाई थी। ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। अब इकरा हसन शायरी सुना रही थी और इमरान प्रताप गढ़ी शायरी सुनाते रहे हैं, लंबे वक्त तक मुशायरों में रहे हैं। उनकी एक नज्म इन दिनों खूब वायरल हो रही है, उस नज्म की एक आध पंक्तियां भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि आप सुनिए कि आखिर इमरान प्रताप गढ़ी की ये पंक्तियां इतनी वायरल क्यों हो रही हैं। अब तो घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में जो तमाम बातें कॉमन हैं और तमाम बातें इन दोनों के बारे में जो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, वो कुछ ऐसी हैं जो इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन दोनों की शादी तक जाती हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इनकी शादियों को लेकर तरह तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं कि इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन ये दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं, ऐसा फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये फैसला होगा या नहीं होगा, या फिर इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन इन दोनों के बीच में क्या कुछ है, इस बारे में कहीं से दोस्तों कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन इकरा हसन का शायरियों को पसंद करना और इमरान प्रताप गढ़ी का शायर होना, दोनों का सांसद होना और दोनों की विचारधारा का भी लगभग एक सा होना, इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस में है और इकरा समाजवादी पार्टी में है, इन दोनों पार्टियों का भी गठबंधन है, जो गठबंधन मतलब इंडिया अलायंस के अंदर भी ये दोनों पार्टियां हैं। इकरा हसन ने हाल ही में अपना बर्थडे मनाया और इकरा हसन के बर्थडे के बाद से ये सवाल ज्यादा तेज होने लगे कि आखिर इकरा हसन शादी कब करेंगी, निकाह कब करेंगी। ये सवाल इंटरव्यू में भी उनसे पूछे गए और इमरान प्रताप गढ़ी से भी खूब पूछे गए। इमरान प्रताप गढ़ी भी मुस्कुरा कर निकल गए और इकरा हसन ने कहा कि इसके बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, कुछ सोचा नहीं है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर इकरा हसन और इमरान प्रताप गढ़ी को लेकर खूब बातें हो रही हैं। लोगों के मन में ये सवाल है, लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या वाकई इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन की शादी होने वाली है। हमारे पास भी दोस्तों सैकड़ों की तादाद में ये सवाल आए, लोग ये जानना चाहते हैं कि इकरा हसन और इमरान प्रताप गढ़ी के बीच क्या वाकई कुछ है, क्या वाकई दोनों अपने रिश्ते को कोई नाम देने वाले हैं। तो दोस्तों जब हमने इस खबर की पूरी तरह से पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि आखिर इकरा और इमरान के
रिश्ते का सच क्या है, इस शायरी का कनेक्शन क्या है, तो दोस्तों जो बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि फिलहाल दोनों के बीच में ऐसा कहीं से कुछ है, इसकी कोई पुष्टि कहीं से नहीं मिलती। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं और इकरा को शायरी पसंद है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों सांसद हैं और दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, एक लोकसभा में है एक राज्यसभा में है, लेकिन शादी जैसी कोई बात या दोनों के रिश्ते जैसी कोई बात फिलहाल सामने नहीं आती है। लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ होता है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो हमारे दर्शकों के तमाम सवाल थे उनके जवाबों को हमने तलाशने की कोशिश की कि आखिर इस खबर का पता लगाया जाए, इसकी सच्चाई जानी जाए और दर्शकों के सामने इस बात को रखा जाए। अब दोस्तों, इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी कब शादी करेंगे, किससे शादी करेंगे, ये सवाल बड़ा है और इसके जवाब को तलाशने की कोशिश अभी बहुत से लोग कर रहे हैं, इकरा के फैंस भी और इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थक भी। अगर आपको भी लगता है कि वाकई इन दोनों का रिश्ता हो सकता है तो आप भी इस पर अपने कमेंट करके हमें अपने जवाब जरूर भेजिएगा।